डिंडोरी कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता तो पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं। अब नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता अशोक सारस ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर पुनः भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में सुनीता अशोक सारस ने भाजपा की सदस्यता ली। सुनीता अशोक सारस ने नगर परिषद चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से अलग होकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और वार्ड नंबर 13 से पार्षद का चुनाव जीतकर कांग्रेस के समर्थन से नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीता था। पिछले कुछ दिनों से जिले में कांग्रेस पार्टी में चल रहे विवाद के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि सुनीता अशोक सारस एक बार फिर भाजपा में जा सकती है और आज उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने कहा कि भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर मैं पूर्ण भाजपा में शामिल हुई हूँ। अच्छा महसूस हो रहा है, भाजपा की रीति नीति विचारों से प्रभावित होकर मैं परिवार में शामिल हुई हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि कुछ राजनीतिक समीकरण के चलते हम सुनीता को नगर परिषद के चुनाव में टिकट नहीं दे पाए थे, लेकिन आज वे पूर्ण रूप से भाजपा के साथ हैं और हम मिलकर डिंडोरी नगर के विकास के लिए काम करेंगे। देखिए, हमारे परिवार की थी, हमारी वैचारिक दृष्टि से हम सब लोग जुड़े थे। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कई बार ये सारे तस्वीर आते हैं, परंतु आज उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। पहले भी हमारी सदस्य नहीं थी, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी, पर वो त्याग करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई। हमने उसको सुबह स्वागत किया और फिर पूरे पार्टी परिवार की ओर से भी उनका हम अभिनंदन करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।